हम यहाँ पर जो है नारायणपुर पटेल त्रिमोहानी पर 10 जुलाई से जी जो NH7 को 4 लेन में तब्दील किया जा रहा है उसके लिए किसानों का अधिग्रहित की जो भूमि किया जा रहा है उसका उचित मुआवजा न मिलने के वजह से हम लोग किसान सभी लोग जो है लगातार 8वें दिन आज अपना धरना जारी रखे हुए हैं और अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ और यह किसान जो सरकी रेट से आबादी का 4 गुना मांग रहे हैं और यह बिना सरकी रेट का अवहेलना करते हुए उन्होंने 2,25,000 रुपये संभाव रेट से सबको एक समान रेट लगा करके यह किसानों के साथ जो है एकदम सौतेला व्यवहार हुआ है और किसी भी किसान को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ये मनमानी तरीके से यहाँ पर जो है मुआवजा बांटने का काम NHAI के द्वारा हो रहा है उसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं और उसीलिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं धरना पर और यह अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा और जब तक किसानों की मांग नहीं पूरी होती है। जबकि यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे गांव हैं जहाँ पर नोटिस दिया गया है जो नारायणपुर बाईपास खास तौर पे है वह अर्धनगरी में है वाराणसी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है उसको भी उन्होंने कृषि का रेट देकर के 2,25,000 जबकि वहाँ पर आज के रेट में मार्केट में 25 से 30 लाख रुपए विश्व की जमीन है उसको ये औने पौने दाम में 2.25 लाख रुपए विश्व की जमीन लेकर के किसानों के साथ धोखा किया है। यह सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज अपना बुलंद कर रहे हैं। जब तक हम लोगों का यह मांग नहीं पूरा किया जाता है तब तक यहाँ पर नारायणपुर पटेल त्रिमोहानी पर यहाँ पर धरना जारी रहेगा। आप बता रहे थे कि 2,25,000 बिस्सा, तो आपकी मांग क्या है? जैसे कि हमारी मांग ये है 2 लाख, हमारी मांग यह है कि जो सरकी रेट है उसका आबादी का 4 गुना दिया जाए, सभी किसानों को उसका उचित मुआवजा दिया जाए और उसी समय हम लोगों का धरना समाप्त होगा।